हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। दो टॉपिक और बचे, तीन टॉपिक आई थिंक। ठीक है, तीन क्लास, आज के बाद दो क्लास में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसके न्यूमिकल्स वगैरह हम पूरे कर लेंगे। ठीक है, न्यूमिकल्स इसके और केमिकल काइनेटिक्स न्यूमिकल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक का रिएजेंट का पार्ट बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा, एक बड़ा पार्ट बना रहा हूँ रिएजेंट्स का, ताकि एक बार एक ही वीडियो में सारे रिएजेंट खत्म हो जाए, दिक्कत ही खत्म हो जाए। बार बार क्या है, बनाने की दिक्कत खत्म कर दूंगा मैं। चलो जी, तो चलो हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन कैसे होता है, उसका कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। क्या हम अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं अभी तक, तो उनका फॉर्मूला, उसका रिलेशन क्या होगा, अगर किसी चीज़ को मैं जमा दूँ, फ्रीज कर दूँ तो क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट को समझना जरूरी है कि और टेम्परेचर एट विच, तो किसी भी ताप पे या वह ताप, मैं ताप की लिख देता हूँ, जिस ताप पर या वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पर क्या हो, जिस पर सॉलिड और लिक्विड, क्या लिखा मैंने, जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर, दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए या सेम, बराबर हो जाए, क्या कहलाता है वो, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है वो, उसका हिमांक कहलाता है। हम बोल सकते हैं वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, क्या कहलाता है वो, हिमांक कहलाता है। ठीक है, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड बोथ वेपर प्रेशर आर इक्वल या सेम बोल दो आप, तो वही क्या कहलाता है आपका, फ्रीजिंग या हिमांक कहलाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो उतारो, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो, हम हमेशा दो चीज़ों की बातें करते हैं, हम बात करते हैं हमेशा कि हमारे पास में हमेशा दो चीज़ें होगी। पहला होगा सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरी की हम बात करते हैं हमेशा, भाई सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, और ये सॉल्यूट कैसा होना चाहिए आपका, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील होना चाहिए। इसका मतलब जो विलेय ले रखा है विलयन का, ये क्या है, विलयन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और अगर मैं इधर की बात कर लूँ तो यहाँ पे जान, तो यहाँ पे किसको लेते हैं हम लोग, अलग पेन से लिख देता हूँ मैं, यहाँ हम काम लेते हैं शुद्ध विलायक, बिल्कुल जैसा पहला किया था वैसा का वैसा करेंगे। ठीक है, शुद्ध विलायक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई? मुझे करना है क्या, मुझे इसको भी फ्रीज करना है और मुझे इसको भी फ्रीज करना है। तो मान लो मैं ये बोल देता हूं कि मुझे इसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है, और मुझे इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक चेक करना है, कुल मिला के जमा देना है मुझे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, है ना, मैंने कोई इसको टेम्परेचर रखा, कोई भी टेम्परेचर दिया, और उस पर ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया। ठीक है, चलो मान लो, ऐसा मान लेता हूँ कि मैंने जो इसको टेम्परेचर दिया था, देखो इसको जब भी आप टेम्परेचर दोगे, अब इसको मैं बोलूँगा टी एफ नॉट, और इसके टेम्परेचर को जो भी तुम हिमांक का दोगे, फ्रीजिंग का दोगे, इसको क्या मैं बोलूँगा टी एफ। क्लियर सही बच्चों को यहाँ तक? ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बता दो आप लोग, सिंपल सी बात पूछता हूँ। मुझे एक पानी को जमाना है, ठीक है, और पानी में मैंने कोई मटेरियल जमा कर, मटेरियल डाले, उसको भी जमाना है, कौन सा जल्दी जम जाएगा, थोड़ा सोच समझ के बताना। मुझे एक बार पानी को जमाना है, और एक कोई ऐसा मटेरियल पानी के अंदर कुछ डाल दिया मैंने, गुल्फी जमानी मान लो, ठीक है, गुल्फी जमानी है। अच्छा, किसको जमाने में आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, पता तो है ना, टेम्परेचर कम करते हैं तो चीज़ें क्या होती है, ठंडी होती है, बर्फ़ के रूप में बदलती है, कन्फर्म है ना। तो मैंने कहा एक गिलास पानी और ये गुल्फी है, ठीक है, गुल्फी है ना, आइसक्रीम बना रहे हैं। अच्छा, कौन सी पहले जमेगी, ये जम जाएगी। क्या जितने टेम्परेचर पे ये जमी, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम गई, मान लो पानी,
क्या ये गुल्फी भी जो आइसक्रीम है क्या वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जमेगी क्या? नहीं, इसको और टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो बताओ इस बार प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है किसके मुकाबले? सॉल्यूशन के मुकाबले। समझ में आ गई ना बात? सिंपल सी बात है। देखो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तुम इसको फ्रीज करने के लिए गए तो आराम से फ्रीज हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक ऐसा सॉल्यूट है जो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। तो इसको तुम्हें अगर फ्रीज करना है तो इसको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? और कम करना पड़ेगा। अरे भैया, पानी को जमाने के तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा लिया, क्लियर है, लेकिन अगर तुम्हें आइसक्रीम को जमाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? और कम करना पड़ेगा। और कम कैसे करोगे? जब अब किस में जाएगा ये? माइनस में जाएगा। अगर तुमने प्लस में कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, और जब तुमने जीरो से और कम में गए तो वो माइनस में हुआ। क्लियर सभी को? तो आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि अगर यहां पे अगर आप डेल्टा टीएफ तुम निकालते हो, ठीक है, तो बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इन दोनों में से? इसका ज्यादा होगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? इस बार बहुत कम करना पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर इसके मुकाबले क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पे क्या जाएगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। लेकिन ध्यान रखना, बॉइलिंग वाले में जब पढ़ा था तुमने वो थोड़ा सा अलग था, इसमें यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आया? डेल्टा टीएफ बराबर क्या आया? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्लियर है सबको? क्लियर है? कैसा? सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वापस सुन लेना। भाई प्योर सॉल्वेंट जम गया 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लो, लेकिन इसके अंदर क्या है? सॉल्यूशन है। तो इसको जमाने के लिए मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? अरे जमाने, बर्फ बनाना है। बर्फ बनाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं, पता है ना? हाँ, जब ठंडा करना होता तो एसी के क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करते हैं। अपन टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाते हो, टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। सर्दी में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अगर मुझे दोनों को फ्रीज करना है तो मान लो इसको तुमने 0 डिग्री सेल्सियस किया, ठीक है, तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसके मुकाबले इसका टेम्परेचर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और इसका क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला बन गया। और जब तुमने बॉइलिंग का पढ़ा था वहाँ कॉन्सेप्ट अलग था, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। क्लियर सही बच्चों को? चलो जी, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर आपको मैं ग्राफ्स दिखा देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और इसी को तुम्हें पता हो तो अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ। क्लियर है? चलो ग्राफ दिखा दो, ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, समझना। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देखना। इधर कौन था? वेपर प्रेशर। इधर कौन था? टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ को समझो थोड़ा सा ध्यान से। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ में है ये वैसे, है ना। मान लो ये विलायक है, ठीक है, सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है? प्योर। क्लियर है? ठीक है। और यहां पर इसको मैंने बोल दिया सॉल्यूशन, विलयन। देखो विलयन वाला, देखो नीचे तक, नीचे जाओ, नीचे जाओ, देखो विलयन वाला क्या हो रहा है? पहले जम रहा है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। समझे? टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर क्या ऊपर वाले का? ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं ऐसा थोड़ा मान लेता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका सॉल्यूशन है? देखो सॉल्यूशन ग्राफ कहाँ है? नीचे आ रहा है। इसका उसका टेम्परेचर क्या है? देखो कम है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। चलो ये किसके लिए? ये टी एफ नॉट के लिए। ये किसके लिए? टी एफ, यहाँ पे कर सकते हो आप ऐसे, इस पॉइंट को यहाँ लिख दूँ मैं टी एफ के लिए, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ये क्या है? डेल्टा टी एफ, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको मैंने बता रखा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, याद करो। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? सिंपल है, राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बताओ मुझे? कि जो भी आपका वेपर प्रेशर है, जो भी वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा लॉजिक ध्यान रखो, क्या लॉजिक ध्यान रखना है? यहाँ पर भी वही हो रहा है, देख लो, वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो
तो देख लो ये डेल्टा टी एफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा टी पी किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी एफ पे, बोल सकता हूँ मैं आराम से, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ डेल्टा टी एफ डेल्टा पी। क्लियर है, लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था, बस जब हमने कौन सा बॉइलिंग वाला पढ़ा था तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या था, टी बी था, और क्या था, बस बस डिफरेंस किस बात का तो ध्यान रखना, हिमांक का जब डिफरेंस की बात करोगे तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जब हिमांक की बात करोगे, इस बार नीट में यहाँ से सवाल आया था, हिमांक की जब बात करते हैं और फ्रीजिंग की बात करते हो तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है बताओ मुझे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। और जब तुम लोग क्वथनांक या बॉइलिंग वाले की बात करते हो, क्वथनांक या बॉइलिंग वाले की बात करते हो तो उसमें क्या आता है, किसका, डेल्टा टी बी का, सॉरी बी कर देना यहाँ, बस दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, इसके अंदर सॉल्यूशन ज़्यादा होता है और इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, बस ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार नीट में यहीं से क्वेश्चन आया था, इसका न्यूमिकल आया था, मैं बताऊँगा कैसा आया था, ठीक है। चलो तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यहाँ तो बिल्कुल सेम जैसा वो किया था, बिल्कुल सेम डिट्टो छापना है, बस बी एफ की जगह बी है, देख लो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ एक्स बी, कोई हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शन कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, के के एक्स पी। क्लियर है क्या, ठीक है, ग्राफ उतार लिया आप लोगों ने, ध्यान रखना ग्राफ को। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ग्राफ को उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूँ, हो गया, देखो बिल्कुल आसान आसान से है, चार पांच फॉर्मूले हैं, याद कर लेना बस, सिंपल सिंपल। देखो जी अब इसकी बात करें, एक्स बी बताओ, एक्स बी बराबर क्या होता है, निकाला था, बताओ क्या होता है, अगर ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिनको पहले समझ भी नहीं आया वो अब समझ लें, अब ये मोल है, मोल को किस में नोट करोगे, याद करो, वेट में ग्राम मोलर मास का डिवाइड कर देते हो। देखो बिल्कुल सिंपल, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्या आ गया नीचे, एम बी, नीचे क्या आएगा यहाँ पे, अब याद करो हम क्या करते, इस टर्म को इग्नोर कर देते थे, हम क्या बोलते थे, बताओ क्या बच गया यहाँ पे, एक्स बी, यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे क्या आ गया बताओ, डब्ल्यू ए अपॉन एम एम ए। क्लियर, ठीक है, इसके बाद क्या करते थे बताओ, एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर, क्या आ गया, बिल्कुल कहा ना, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, वैसा का वैसा है बस, डब्ल्यू बी हो गया, नीचे क्या आएगा, एम बी, और नीचे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए। क्लियर, यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को कहाँ रख दोगे, इसके अंदर, देखो ये रहा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को उठा के आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीधा, इसके अंदर रख देना, ठीक है, रख दूँ मैं, देखो रखो इसके अंदर वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा टी एफ बराबर कितना जाएगा, के डब्ल्यू ए, ये रहा फॉर्मूला। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, चलो उतारो, ठीक है। अब आप याद करो, अगर आपको याद आ जाए तो याद करो, मैंने एम ए को यहाँ लिखा था, एक ही बात है तो घुमा के लिख देता हूँ, ठीक है, और याद रखो एक नया कांस्टेंट बनाया था, याद है लास्ट टाइम एक नया कांस्टेंट, खोल के देखना सब, बिल्कुल यही किया था मैंने, क्या बना लिया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, कांस्टेंट बन गया फ्रीजिंग पॉइंट का, क्या आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, अगर ये डब्ल्यू ए के जी में हो, किस में हो, के जी में हो, क्या ये सॉल्वेंट, ये क्या ऊपर मोल आ गया, डब्ल्यू बी एम बी का भाग लगा मोल आ जाएंगे, तो इस पूरे टर्म को मैंने किसकी तरह मान लिया था, याद करो, मोलिटी माना था, क्या, बिल्कुल, क्या आ गया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, क्या था, और इस बार नीट का सवाल यहीं से था, क्या करना था,
आपको KF का वैल्यू दे रखा था, M का वैल्यू दे रखा था 0.078 के आसपास दे रखा था, और इसका कुछ पावर में दे रखा था, दो इंटू करके दोनों को मल्टीप्लाई करके डेल्टा TF का मान निकाला था। ये इस बार नीट का सवाल आया था, समझ में आ गया था। हाँ, पढ़ते तो करते, अब मैंने बता दिया ये यहाँ से आया था, कन्फर्म है ना। एम क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, मॉलिलिटी। मॉलिलिटी देखो ये सब मैंने पहले समझा दिया है, तुम्हें ज़्यादा मॉलल था। क्लियर है सभी को? चलो आप इस फटाफट इसको नोट कर लो, हो गया। अब बताओ मुझे यहाँ पे डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन। अच्छा KF क्या है, इसका कांस्टेंट। बस बोल सकते हो यहाँ पे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, या बोल सकते हो यहाँ पे मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? ठीक है, उतार लो फटाफट। एम क्या है, मोलिलिटी है। कैसे पता चला, क्योंकि ऊपर मोल आ गया, नीचे ये क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया, किस में, केजी में। ठीक है, अगर मान लो केजी अब ग्राम में होता तो ऊपर इंटू 1000 कर देंगे बस। चलो अब मैं हटा रहा हूँ इधर वाला। एक बार कल वाला और आज वाला, ठीक है, दोनों को मैं एक बार कंबाइन कर दूंगा। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो तुमने फॉर्मूला क्या निकाल लिया, डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। एम क्या है, मोलिलिटी। मोलिलिटी इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अगर ये W एक ग्राम में हो तो ऊपर 1000 लग जाएगा बस। देखो जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं है। और यहाँ पे 1000 क्यों लगा, क्योंकि ये KG में मान रखा है, मान रखा है मैंने। अब मैंने इसको ग्राम में मान लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। उठा के इस वैल्यू को इसके अंदर डाल दो, क्या आ गया बोलो, डेल्टा TF बराबर KF। अच्छा क्या आ गया यहाँ पे देखो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब दिमाग लगा, उस वक्त भी क्या किया था, एम बी का देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो एम बी को इधर ले आओ। बताओ तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, के एफ अपॉन डेल्टा TF। बताओ क्या बच गया, यहाँ पे लिख दो उसको जो बचा है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। बस ये लो भैया फॉर्मूला निकल के आ गया, क्लियर हो गया। ये सब की वैल्यू देगा, एम बी निकालना रहेगा, ठीक है। और एम बी क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का मोल द्रव्यमान, कुछ भी बोल दो, ठीक है। चलो उतारो, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो मैं हटाता हूँ उसको, इधर वाले को हटा देता हूँ। अब देखो याद करो एक तुमने फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला निकाला था, देखो याद करो, याद है वहाँ पे भी निकाला था KF KB में, तो यहाँ KF वर्सेस KF और डेल्टा एच लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। डेल्टा एच क्या यहाँ पे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाला था। वी ए पी का मतलब क्या यहाँ पे, वी ए पी वेपराइजेशन क्या था, देखो फॉर्मूला के एफ, ठीक है, एम ए आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन वाष्पन इंटू 1000। अब देखो एक बार मैं दोनों का डिफरेंस कर लेता हूँ, कल वाले और आज वाले में, ठीक है। चलो तो ये आप नोट कर लो फटाफट, डेल्टा एच वाष्पन वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या है डेल्टा एच यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्लियर है? चलो अब नोट कर लो आराम से, चलो इसको उतार लो फिर देखो, सिंपल सा। इसके बाद एक और बचेगा, पराश्रन दाब ऑस्मेटिक प्रेशर चौथा बचेगा, बस उसके बाद खत्म। वॉन्ट इफेक्ट है तो आधे घंटे का है, ये भी अगला, मैं दो वीडियो और बनेंगे लगभग एक घंटे का टोटल मिला के। हैं सर सॉल्यूशन कब का चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, करो करो आराम से यार, अभी तो क्या चल रहा है, सेप्टेम्बर चल रहा है, हैं सारा कोर्स अभी पढ़ लोगे तो बाद में क्या पढ़ोगे, हैं और कम हो गया तो क्या करोगे। चलो अभी फ़िलहाल पूरा ही पढ़ना है ना। तो क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का, ठीक है।
और इसके बाद आप मुझे मैसेज कर देना। सभी लोग मुझे कमेंट लिखना कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो, ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो या फिर चलने दो कंटिन्यू, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको अब, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, अब मैं आपको एक बार दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। डिफरेंस समझ लो ध्यान से। पहला पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में 19, ठीक है। और आज क्या पढ़ाइए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे हिमांक में उन्होंने, ठीक है। देखो पहली चीज़ क्या याद रखनी दोनों में, अगर इसकी बात करेगा डेल्टा टी एफ टी बी, सॉरी बी से दिखाएंगे इसको, इसमें क्या था टी एफ माइनस, सॉरी मैं बार बार एफ क्यों याद आ रहा मुझे, टी बी नॉट, ठीक है भाई। इसको गर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसको जमाने के लिए कम देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, बस इन दोनों फॉर्मूले में एक ही चेंज है, इसमें टी बी माइनस टी बी नॉट है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, कम है, क्यों है, जमाने के लिए और यहाँ गर्म करने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा फॉर्मूला क्या है बनाया था तुम, देखो दूसरा फॉर्मूला अपने आप बना था, याद करो डेल्टा टी बी बराबर, देखो ऐसा बना था के एफ, अच्छा मैं शुरुआत से बता रहा था ना, डेल्टा टी बी किसके बराबर था याद करो, डेल्टा पी के, और यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ किसके बराबर था, डेल्टा पी के, और डेल्टा पी किसके बराबर था, एक्स बी के। तो इसको अपन ने किसके बराबर किया, थर्ड फॉर्मूला ध्यान रखना, बराबर के एक्स बी किया था हमने, याद है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही किया था। अब जब तुमने एक्स बी को खोला था याद करो, उसको एम बनाया था, तो क्या बनाया था तुमने, डेल्टा टी बी बराबर क्या था, के एफ बनाया था, तो ये एम बना था। और ये क्या था, डेल्टा टी बराबर सॉरी के एफ, तो क्या होगा, ये के बी होगा और ये के एफ होगा। एम क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, मोलिलिटी है, क्लियर सभी को, ठीक है। अब देखो तुमने मोलिलिटी को खोला था और देखो ये फॉर्मूला बनाया था, याद करो, देखो क्या था, ऊपर डब्ल्यू बी हमेशा ऊपर आएगा, इंटू थाउजेंड किया था, याद आ गया, क्लियर बच्चों। नीचे देखो क्या था, एम बी इंटू डब्ल्यू, क्लियर है। यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल डिटो, क्या था, वन थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बना लिया था। अगला फॉर्मूला क्या किया था बताओ मुझे, एम बी को दे लिया था डेल्टा टी टी बी को से नीचे भेज दिया था, ठीक है। ये था थर्ड, ये था फोर्थ नंबर, ये था फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर में दिखाता हूँ, मैं को कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा एक बार ताकि देख सको आप आराम से, ठीक है। ऊपर वाला तो जानते ही क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, एम बी को दे लिया हूँ, तो डेल्टा टी के बी अपॉन क्या आ गया था, डेल्टा टी बी, ये क्या बन गया था यहाँ पे, थोड़ा पास लिख देता हूँ, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने बनाया था लाखरी में। एम बी क्या है यहाँ पे, क्या है बताओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का आणविक द्रव्यमान या उसका मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही एम बी, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए, बस, ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला। और दोनों के लेटेंट हीट का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ, यहाँ पे लेटेंट हीट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो छः के बाद सात नंबर याद रखना है इनको, बहुत आसान आसान से फॉर्मूले हैं। देखो अब क्या था, याद करो के बी बराबर एम ए आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन
डेल्टा एच इंटू थाउजेंड, यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, वाष्पन की ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे क्या बनाया था बताओ, के एफ बराबर, अच्छा यहाँ पे सॉरी बी करना है मुझे, देख लेना एक बार ना, एम ए आर टी एफ स्क्वायर, वो क्या दिमाग में बार बार वही घूम रहा है ना, तो डेल्टा एच इंटू थाउजेंड, बस क्लियर सभी को। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको याद करवा दिए, आप ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखोगे, ये वाला टी बी माइनस टी बी नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, पहला तो ये याद रखना। दूसरा डेल्टा टी बी डेल्टा पी के था, अब मुझे पता था डेल्टा पी किसके समानुपाती होता है, एक्स बी के, यहाँ पर भी यही था, ये गया के आया था, एक्स बी को तुमने खोला था, फिर इसका जो एम ए था वो के साथ मिलकर के बी बना के एम बन गया, एम क्या है मोलिटी है, समझ में आ गया बात, वहाँ पे भी देखो सेम ही तो बनता है, देखो बिल्कुल डिट्टो, देखो डेल्टा टी बी के बी, देखो डेल्टा टी एफ के एफ है ना, देखो डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी, हज़ार एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, यहाँ पे क्या कि एम, मुझे हमेशा क्या निकालना होता है, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना होता है, नॉन वोलेटाइल जो सॉलिड होता है ना उसका मोलर मास निकालना होता है, एम बी को दे लिया डेल्टा टी बी को नीचे भेज दिया, देखो ये बिल्कुल डिट्टो चल रहा है, और ये देखो इसमें भी सेम है, के बी एम ए आर टी बी स्क्वायर डेल्टा एच 1000, यहाँ क्या है एम ए आर टी एफ स्क्वायर डेल्टा एच, और डेल्टा एच क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्लियर है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, तो बिल्कुल आसान आसान से फॉर्मूले लिखवाए हैं, छोड़ना मत यार इसको, बहुत आसान आसान से फॉर्मूले हैं, अच्छे से समझा दिया, सारी चीज़ अच्छे से बता दिया। देखो दो सवाल आए थे इस बार नीट में, नीट में दो सवाल आए थे इस बार यहाँ से, पहला तो यही आया था ये रहा ये वाला, और दूसरा पूछा था आपको पता, आपको मैंने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखवाए थे धनात्मक विचलन के, उसमें से एक एग्जांपल सवाल आया था, दो नीट के सवाल इसमें से पूछे गए थे, बहुत आसान से, फेराडे वाला भी आया था, सॉरी नहीं नहीं फेराडे वाला उसमें आया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से फेराडे नियम का सवाल आया था कि एक फ्राइडे इतने दो फ्राइडे में कितना कितना मोल होगा, मल्टीप्लाई करना था, हलवा आया था पेपर है, मुझे तो हलवा ही लगा। चलो मतलब तूने जो 11th क्लास पढ़ी है ना, तुम अगर उसके सेंस में पेपर दो ना तो भी तुम 45 में से कम है ना 30 क्रॉस कर जाओ, 11th बेस पे जो मैंने पढ़ाया तुम्हें, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होंगे इस बार मेरे है। चलो कर लो ये फटाफट, समझ गए सभी लोग, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए है ना, चैप्टर को बड़े प्यार से पढ़ाया है ना, बहुत प्यार से पढ़ाया और बहुत अच्छे से आना भी चाहिए, एक एक चीज़ आनी चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं छोड़ा शायद मैंने कुछ भी। चलो इसके बाद जो अगला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पराश्रन दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, उसमें भी सॉल्यूट, देखो सारी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टी देखो पढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से समझ लेना चीज़ों को। अभी तक चार अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तीन हो गए, राउले वाला हो गया, अवाष्पशील वाला हो गया, नॉन वोलेटाइल वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट वाला, तीसरा कौन सा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट वाला, एक और बचा हुआ है एटमोस्फेरिक सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, उसके बाद वॉन्ट ऑफ फैक्टर बचेगा, उसके बाद में चैप्टर ख़त्म, फिर हम पढ़ेंगे न्यूमिकल्स, एक एक न्यूमिकल कराऊंगा, टेंशन पहले सॉल्यूशन न्यूमिकल कर लेंगे, फिर देन केमिकल काइनेटिक्स के एक सवाल में बना दूंगा, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना हो, मुझे बता देना है ना, और देखो भाई टेस्ट दो, बहुत बच्चे कम टेस्ट देते हैं, कुछ कोशिश करो, पता है मुझे पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, फिर भी एक कोशिश होनी चाहिए, एक स्टूडेंट के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ, वो हमेशा एफर्ट लगा के उसका जितना उससे हो सके उतना वो करे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ ही करो, मुझे भी पता है इतना फ़ोन के सामने बैठना इतनी पढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं है, है ना, पर मुझे देखो ना मैं भी बीमार हूँ, मैं फिर भी पढ़ाता हूँ तुम्हें लगता है कि सर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन रियल बात बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए एक्चुअली में पर तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, पढ़ाई ख़राब नहीं कर सकता तुम्हारी, तुम देख रहे हो आजकल तो ऐसे चलता है मामला, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे रेगुलर पढ़ेंगे, बस आप कंटिन्यू फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, न्यूमिकल्स वगैरह की टेंशन मत लेना, न्यूमिकल आपका कोई गलत नहीं होना दूंगा एग्जाम में, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा है ना, आप कभी कभी देखते हो ना कभी कभी वीडियो नहीं डाल पाता, तो कोई बात नहीं आप पुराना रिवाइज कर लिया करो, बहुत डाले गए कोई भी वापस पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो
और बहुत जल्दी मैं चैप्टर्स का रिवाइज स्टार्ट कर दूंगा एक बार चैप्टर खत्म हो जाए। आप मुझे बता देना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो इसको आप नोट कर लेना।